वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेरा लूना के बारे में। क्या फ्यूचर अब रहेगा यहाँ से टेरा लूना का, क्या टेरा को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो कितने टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा, क्या प्राइस ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे, आज सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलने वाला है आपको टेरा लूना को लेके। तो टेरा लूना अगर आपने खरीद लिया है तो भी आपके लिए जरूरी है, और अगर आप खरीदने की सोच रहे हो तो भी आपके लिए जरूरी है। सबसे पहली चीज, आपने पूरी टेरा लूना की पिक्चर देख ली दो दिन के अंदर, 9000 रुपए का कॉइन। अगर आप वन वीक पहले के भी प्राइस देखेंगे टेरा के, $80, $90, $100, वन मंथ पहले के, जो पिछले अप्रैल के अंदर इसने नया ऑल टाइम हाई बनाया, $119, $120 के आसपास। और अभी ये जो कॉइन है अभी ₹2 पे करंटली ट्रेड कर रहा है, और टेरा इतना नीचे आ चुका है। आपने दो दिन में पूरा हाल देख लिया। कल ही हमने बात की थी कि टेरा ₹1 से नीचे भी जाती हुई दिख सकती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं टेरा को, किसी ने ₹10 पे भी खरीदा है, किसी ने $1 पे भी खरीदा है, किसी ने $30 पे खरीदा है, जो एक डिप आया था उस लेवल पे बहुत सारे लोगों ने खरीदा था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने हाई प्राइस पे भी लिया हुआ है, किसी ने 6000 पे, किसी ने 8000 पे, किसी ने 9000 पे भी लिया हुआ है, मतलब जब ऑल टाइम हाई बना रही थी। तो ऐसे में टेरा ने सबसे पहली चीज़ आप समझ लो बहुत बड़ा लॉस दिया है अपने होल्डर्स को। जितने भी होल्डर्स थे जो टाइम से निकल गए होंगे टेरा से, वो यहाँ पे थोड़ा सा सेफ हो गए होंगे, लेकिन जो नहीं निकल पाए, जो नहीं निकले, उनको एक बहुत बड़ा लॉस दिया है टेरा ने, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और अभी भी मार्केट आप देख रहे हो बहुत क्रैश है, नीचे आ चुका है मार्केट, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, और भी नीचे आ सकता है। ऐसे में और कॉइन्स पे आप फोकस नहीं कर रहे हो, टेरा पे फोकस कर रहे हो, तो टेरा को लेना ठीक है या नहीं है? बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं टेरा को लेके, यहाँ पे USDT को बर्न करने की बातें चल रही हैं, टेरा को स्टेक करने की बात चल रही है। जो टेरा का मैकेनिज्म है ना, उसकी वजह से टेरा की सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। ये जो पूरा अगर आप देखें दो दिन के अंदर जो ये पिक्चर हुई है ना पूरी, इसकी वजह से टेरा की सप्लाई इस टाइम पे इंक्रीज हो रही है। जो इनका एक मैकेनिज्म सेट है उसकी वजह से यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज हो रही है, और जब किसी कॉइन की सप्लाई इंक्रीज होती है तो यहाँ पे उठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ICP, ठीक है, इंटरनेट कंप्यूटर। मैं ये नहीं कह रहा कि ICP अब नीचे आ चुका है तो टेरा भी रहेगी, बहुत सारे कॉइन्स अगर नीचे आ जाएं तो उसी लेवल पे रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस लेवल से ये नीचे आई है, 9000 से ₹2 पे, 9000 से ₹2 का लेवल बहुत नीचे लेवल आता है, और दो दिन के अंदर अगर आई होती, 6 महीने में, 1 साल में गिरी होती तो चीज़ें समझ में आती, लेकिन दो दिन के अंदर जिस तरह से इसकी वैल्यू गिरी है, अब यहाँ पे उठना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि कब उठेगी, और उठेगी तो हमको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो एक इमरजेंसी प्लान भी यहाँ पे अनवील किया, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि टेरा के जो CEO हैं वो बाद में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब इतनी बड़ी पिक्चर हमको देखने को मिलती है, जब इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अभी भी फोकस USDT के ऊपर है कि USDT की वैल्यू को इंक्रीज करना है। अभी 51 पे चल रहा है, 36 तक डाउन आ गया था, और भी नीचे आ गया था, लेकिन अगर वो $1 को पहुंच भी गया तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि टेरा आपको फिर से जो है 9000 पे पहुंचती दिख जाएगी, या 6000 पे, 5000 पे, 1000 का लेवल भी अब यहाँ से बहुत मुश्किल है टेरा के लिए। ठीक है, मुझे तो ₹100 का भी लेवल मुश्किल लग रहा है, ठीक है, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एक यहाँ पर रिस्क है, और टेरा इस टाइम पे बहुत रिस्की है। तो इतने सारे कॉइन्स हैं, आपको अपना फंड यहाँ पे सेव करके रखना है, थोड़ा थोड़ा आपको हर डिप के अंदर बाय करना है। मार्केट अभी और नीचे जाएगा, बिटकॉइन अभी और डुबकी लगाने वाला है, मार्केट डुबकी लगाने वाला है, तो हर डिप के अंदर आपको DCA कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको बाय करना है, उसके लिए आपको फंड सेफ रखना है। तो यहाँ पे टेरा को खरीदने की बातें चल रही हैं। टेरा ने इतना कुछ कर दिया, इतना बड़ा लॉस दिया, इतना बड़ा जो चूना एक तरह से लगा है, बहुत बड़े लेवल पे लगा है, और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को क्या यहाँ पे ये जो रग पुल हुआ है या स्कैम हुआ है, क्या ये प्री प्लान था? क्या ये सब चीज़ें USDT को गिराना, उसके बाद टेरा की वैल्यू गिर जाना, क्या ये सब चीज़ें प्री प्लान थी या सिर्फ इंसिडेंट ये ऑटोमेटिकली हो गया? ठीक है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। लेकिन जो भी हुआ है, यहाँ पे लॉस बहुत बड़ा हुआ है टेरा के होल्डर्स को, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे टेरा ऑलरेडी नीचे आ चुकी है, तो अगर आप लेना चाहते हैं टेरा, आपका इतना ही मन है कि टेरा को लेना है, तो यहाँ पे रेकमेंडेशन यही रहेगा, 1000 या 2000, मैक्सिमम 1000 या 2000, इससे ज़्यादा टेरा के अंदर मत लगाना। और अगर आप देखेंगे 1 रुपी, 2 रुपी,
अगर आप 1 रुपी के लेवल पे भी लेते हो तो 1000 में आपको 1000 टेरा मिल जाएंगी, होल्ड कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली प्राइस आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिलने वाला है। और जीरो भी ऐड कर सकती है टेरा, उसके लिए भी आप तैयार रहें। तो फ्यूचर यहाँ से टेरा का थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो जो कॉइन ऑलरेडी इतने बड़े लेवल से अपने होल्डर्स को लॉस दे के आया है, तो अगर आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक बड़ा अमाउंट टेरा के अंदर लगा देंगे तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हो तो अपने आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो आप, ठीक है। इस टाइम पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर और कॉइन्स पे फोकस ना करके सिर्फ टेरा में आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, तो पहले ही हम बोल चुके हैं रिस्की है टेरा इस टाइम पे। पूरा क्रिप्टो मार्केट रिस्की है वैसे तो, लेकिन टेरा के अंदर इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, करना है तो बहुत कम कीजिए, 500, 1000, क्योंकि वैल्यू इतनी नीचे आ गई है कि आपको बहुत सारे टेरा मिल जाएंगी। और यही कुछ हाल है टेरा लूना का, यही कुछ चीज़ें चल रही हैं, यही कुछ अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, और जो सिचुएशन हुई है एक क्वेश्चन मार्क ये भी लगाया है टेरा ने कि यहाँ पे नेक्स्ट नंबर किसका होगा, होगा या नहीं होगा। ये देखिए, अगर आप देखें क्रिप्टो मार्केट के अंदर ऐसी चीज़ें कभी देखने को नहीं मिली हैं, मिली हैं बहुत सारे कॉइन्स 90% चले जाते हैं डाउन में, वो होते हैं नए कॉइन्स इनको कुछ टाइम हुआ था मार्केट के अंदर आए, लेकिन टेरा जैसा इतना पावरफुल प्रोजेक्ट जो टॉप 10 के अंदर बैठी हुई थी, उसका इस तरह से इतना डाउन होना एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। जितने भी आप कॉइन्स होल्ड करके रखे हैं, चाहे कार्डानो हो, मैटिक हो, तो यहाँ पे अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे नेक्स्ट नंबर भी हो सकता है किसी और का, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। कभी कभी हमको ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, लेकिन जब तक यहाँ पे पूरी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है, बहुत सारी क्लैरिटीज़ भी हैं, आना ज़रूरी है टेरा को लेके कि ये सब चीज़ें हुई क्यों, मतलब क्या ये प्री प्लान था या जानबूझ के किया गया या क्या हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है टेरा लूना को लेके। तो इस टाइम पे टेरा लूना को आप भूल जाइए और कॉइन्स पे फोकस कीजिए। इस टाइम पे अगर आप टेरा लूना में खतरों के खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा रिस्क मिल सकता है और बहुत बड़ा लॉस आप यहाँ से फिर से फेस कर सकते हो, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी, आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। टेरा का ऑलरेडी अगर फ्यूचर देखें तो यहाँ पे अब टाइम लगने वाला है, अब टेरा उस लेवल पे आपको जाते हुए नहीं दिखने वाली, इसके लिए आप भले ही आप वेट कर लो, ठीक है, लेकिन उस लेवल पे जो इतना बड़ा लेवल था वो आपको नहीं दिखेगा। थोड़ा बहुत दिख सकता है, बिल्कुल थोड़ा बहुत, कुछ परसेंट, लेकिन जितना ये गिर चुकी है उस लेवल पे जाना अब बहुत मुश्किल है टेरा के लिए। आपके क्या व्यूज़ हैं टेरा को लेके, लूना को लेके, क्या वो जा सकती है वापस उस लेवल पे, क्या आप खरीद रहे हो तो कितने का आप खरीद रहे हो, क्या है आपके व्यूज़ टेरा लूना को लेके, क्या लगता है आपको क्या फ्यूचर होने वाला है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम के लिंक्स हैं, फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।